चिराग इश्क जलाने की रात आई है कि खुद को खुद से मिलाने की बात आई है कि खुद को खुद से मिलाने की बात आई है चिरागे इश्क जलाने की रात आई है चिरागे इश्क जलाने की रात आई है चिरागे इश्क जलाने की रात आई है कि खुद को खुद से मिलाने की बात आई है कि खुद को खुद से मिलाने की बात आई है हकीकी इश्क जगाने की रात आई है सब्जेक्ट है मेडिटेशन वाइब्रेशन का सब्जेक्ट है मेडिटेशन देखने का सब्जेक्ट है पूछने का नहीं ये बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं ये हृदय का सब्जेक्ट है ये प्रथम चरण में ही पीएचडी है मेडिटेशन जो तुझको मालिक बना देता है अपने आप का अपने भीतर का मेडिटेशन जो तुझको तुझे से मिला देता है जो तू खो गया है उसकी पुनः याद दिला देता है वो तुझे भीतर की डुबकी लगवा देता है भीतर का स्नान करवा देता है भक्ति से ओतप्रोत ये छलकती हुई मैं छलकती हुई शराब तेरे होठों पर लगते ही तो कुछ और ही होता चला जाता है मेडिटेशन वो एक डायरेक्ट अप्रोच है मेडिटेशन एकमात्र वो छलकती हुई मय है जिसमें उतरते ही तो नूतन नवीन एक नया ढंग नया तरंग नई अभिप्सा एक नया जगमगाता हुआ पैमाना छलकता हुआ
लेकर के उतरता है तो कुछ और ही होकर के आता है। मेडिटेशन प्यास दर्द दीवानगी का नाम है। मेडिटेशन कंसंट्रेशन नहीं है। मेडिटेशन कोई टेक्निक कोई मेथड नहीं है। मेडिटेशन वो जीने का ढंग जीने की कला है जो तुझे अपने ही भीतर से प्राप्त होती है, ना कि बाहर की क्लासेस अटेंड करने से होती है, ना कि बाहर की ट्रेनिंग प्रशिक्षण से मिलता है, ना ही बाहर की किताबों से नहीं मिलता, अपने भीतर की खोज और तलाश से मिलता है, अपने भीतर देखने से मिलता है। ये देखा देखी की बात, ये पठन पाठन की नहीं, ये देखने का एकमात्र सब्जेक्ट अपने को देखने का, अपने भीतर देखने का। आज इस मैकदे मैखाने में उतरने वालों, इस रूहानी मैकदे मैखाने में उतरने वालों, मेडिटेशन के मैकदे में आने वालों, इस जगमगाती हुई सुरती के सत्संग में आने वालों, तुम पीने की प्यास तमन्ना जगाना। आइए थोड़ी देर के लिए हम प्रैक्टिकली अपनी ओर मुड़ते चले जाएं। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में बहुत सहज सरल साधारण हो जाना। बाहर की दोनों पलकों को मूंदते ही आप स्वयं देखने लगते हैं, आप भीतर की ओर मुड़ते चले जाते हैं। कुछ करना नहीं, जो भी तेरे समक्ष उतरता है, तेरे सामने हो रहा है, घटित हो रहा है, उसी को देखते चले जाना, केवल देखना। हर मकाम में कोई ना कोई मक्की बैठा है, पूछने की बात नहीं, ये देखने का राज है। पूछोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, कर देखोगे तो यहीं पर मिल जाएगा। देखना अपनी ओर, बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम स्वयं थर्ड आई हो जाते हो, स्वयं शिव नेत्र हो जाते हो। तुम देखने वाले, दृष्टा साक्षी अकर्ता हो जाते हो। भीतर देखने की क्षमता, अपने को देखने की क्षमता एकमात्र दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, शिव नेत्र है। ये कोई फिजिकल पार्ट नहीं है तुम्हारी बॉडी का, ये कोई किसी प्रकार के शरीर का अंग प्रत्यंग नहीं है, ये एक महात्म तेरी जागरण की स्थिति है, तेरे सुत्ति द्वार पर उतरती हुई चेतना का एक महान जगमगाती घटना है। बाहर की दोनों पलके मुनते ही तुम देखना शुरू करना, देखते 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 अपने देखने की प्रक्रिया को, देखने के प्रोसेस को निरंतर बढ़ावा देना, अपनी सुरती अपनी होश में अपनी जागरण में रहना, करना कुछ नहीं केवल देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना टेक्निक नहीं मेथड नहीं, डायरेक्ट देखना, केवल देखना, देखते ही रह जाना अपने भीतर को, अपनी ओर जाके जाके देखना। थोड़ा मौका देना अपनी थर्ड आई को, अपने शिव नेत्र को, अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर, अपने अस्तित्व पर, अपने सुरति द्वार पर थोड़ा अपनी चेतना को उड़ील करके देखना, अपनी ओर मुड़े मुड़े। तुम जागे जागे रहना, अक
करता हो जाना थोड़ी देर के लिए, नॉन डूअर हो जाना, कुछ करना नहीं, बड़ा साहस बड़ा हिम्मत चाहिए अकर्ता हो जाने के लिए, कुछ करना नहीं, केवल देखते रहना अपने भीतर को जगमगाते हुए मुदित भाव में, प्रेम भाव में देखते रहना। देखना ही अनुभव है, केवल देखना, अपने माइंड को कहीं किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी शब्द पर कंसंट्रेट नहीं करना, एकाग्र करने की कोशिश मत करना, अपने माइंड को अपने मन को कहीं लगाने की कोशिश ना करना, लगता है नहीं, तुम कितना भी लगाने की कोशिश कर लेना, कोशिशें नाकाम हो गई हैं, लगता नहीं। और मेडिटेशन में हमने माइंड को लगाना नहीं, मेडिटेशन में माइंड को लगाया नहीं जाता, किसी टेक्निक और मेथड में उतरा नहीं जाता, किसी भी टेक्निक या मेथड का सहारा नहीं लिया जाता। बाहर देखने के लिए अगर हम कोई सहारा नहीं लेते तो हम भीतर देखने के लिए सहारा क्यों ढूंढते हैं? हम सबके पास भीतर देखने की कला है, भीतर देखने की आंख है, अपने आप को देखने के लिए उस मालिक ने हमको तीसरा नेत्र दिया है। सबके पास बराबर है और इसका उपयोग करना भी सबको पूरा अधिकार है, सबको बराबर हक है, इसके लिए कछु किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। जब बाहर की आंखों से बाहर के जगत को देखने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं तो फिर भीतर देखने के लिए क्यों नहीं? हम अपने को देखने के लिए भी पूर्ण स्वतंत्र हैं। हम सबके पास जो भीतर की आंख, तृतीय नेत्र, थर्ड आई है, उसका उपयोग करना हम सबका धर्म है। यही धर्म है इंसान का, अपने शिव नेत्र में, अपनी थर्ड आई में, अपनी रूह में, अपनी सुरती द्वार पर निवास करना। थोड़ी देर के लिए तुम अपने भीतर की ओर जगमगाते रहना और जो भी तुम्हारे सामने घटित हो रहा है, उतर रहा है, अपने आप हो रहा है, उसको जागे जागे देखते रहना। मुर्शिद तेरे चरणों की, मालिक तेरे कदमों की, गर धूल ही मिल जाए सदगुरु तेरे चरणों की, गर धूल ही मिल जाए सच कहता हूँ बस मेरी तदवीर संवर जाए तकदीर संभल जाए
मुर्शिद तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की, गर धूल ही मिल जाए, सदगुरु तेरे चरणों की, वाहे गुरु तेरे चरणों की, गर धूल ही मिल जाए। मेरो मन है बड़ा चंचल, कैसी तेरा भजन करो। मेरो मन बड़ा चंचल, कैसी तेरा भजन करो। मेरो मन है बड़ा चंचल, कैसी तेरा भजन करो। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। कहीं दिखता नहीं, एक पल के लिए भी कहीं रुकता नहीं, ठहर नहीं होता। हर पल चंचलता चपलता, हर पल दुगलापन, न जाने कितनी दौड़ लगाता है, कितना कितना रंग ढंग बदलता है माइंड। कहीं दिखता नहीं, कहीं रुकता नहीं, कहीं ठहरता नहीं, कहीं किसी प्रकार की कंसंट्रेशन नहीं। ग्रह भी तो फुल ऑफ टेंशन है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक, एंग्जाइटी इतनी है, इंसान स्वयं ही सोच में पड़ जाता है कि मुझे क्या हो गया है। आज का इंसान मॉडर्न मैन, मोस्ट मॉडर्न कहलाने वाला मॉडर्न, कितना गरीबड़ा है, कितना दरिद्र है, उसके पास अपनी सुरती ही नहीं है, अपनी ही पहचान नहीं है, जीने का ढंग, जीने की कला ही नहीं है उसके पास। बड़ा किताबी, बड़ा बुकिश, बड़ा लॉरिएट, बड़ा लर्नेट, बड़ा विद्वान, सब जानता है। छोटी सी बात कहिए, एकदम जवाब मिलेगा, मैं सब जानता हूं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे कछु कहने की जरूरत नहीं। हम जिस तरह से जीना चाहते हैं उसे जीने दीजिएगा, चाहे वो कैसा भी जीना है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपको दखल देने की जरूरत नहीं। एकदम जवाब तुम्हें खूब, खूब तैरता हुआ मिलता है, परंतु बहुत गरीबड़ा है। आज उसकी नींद हराम हो गई है, आज उसके पास तनिक मात्र भी चैन नहीं, नींद नहीं। आज का मॉडर्न मैन, आधुनिक इंसान, भीतर से कितना गरीब, कितना दरिद्र है।
जो जो बाहर के शिखर निर्मित होते चले जाते हैं, भीतर का शिखर खाक में मिलता चला जा रहा है। वो दोनों तरफ नहीं, एक ही तरफ बह गया है। एक पंख से एक पक्ष से उड़ारी मारना चाहता है। आज तक कोई मार नहीं सका, किसी की लगी नहीं। असंभव को संभव बना देना चाहता है। जो आज तक हुआ नहीं वो करके दिखाना चाहता है। और एक दिन पूरी तरह से फेल्योर होकर के अपने मनोरोग हृदय रोग को लेकर के बैठ जाता है। हैरान हो जाता है कि क्या हो गया। होश तब आती है जब सब कुछ लुट जाता है मन के हाथों, माइंड के हाथों। माइंड ही हो गया उसके पार, बियॉन्ड माइंड। उसको मालूम ही नहीं, अपना पता ही नहीं है, अपनी पहचान नहीं। और दुनिया भर की पहचान लपेटे फिरता है अपने दिलो दिमाग पर। कितना गरीब पड़ा है, कितना दरिद्र है आज का इंसान। वो सुख बाहर ढूंढ रहा है, दूसरों के द्वार पर ढूंढ रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। अपनी ईगो, अपने अहंकार, अपने अभिमान को पोस रहा है। तरीक मात्र भी उसे सुनने को राजी नहीं, किसी की बात घर की बाहर की सुनने को राजी नहीं। अपनी बुद्धि के शिखर को बनाए हुआ है, बुद्धिमान बुद्धिमान कहला रहा है। इतना चंचल, इतना चपल कि एक पल के लिए टिकता नहीं। इतना बहिर्मुखी, इतना बाहर बाहर उड़ेल दिया, इतना बाहर कर दिया इसको, इतना इसके साथ जुड़ गया। आपने आप को ही बाहर कर बैठा। इंसान अपने आप को भूल गया, अपने आप को भी मन के हाथों दे बैठा, अपने ही सेवक के हाथों दे बैठा, अपने इंस्ट्रूमेंट को अपना आप दे बैठा। बहुत सुंदर कहा जब सहजों ने अपने गुरु गुरुचरण दास को हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु मन लगता नहीं, मेरो मन बहुत दुखी करता है। तो गुरुचरण दास ने बहुत सुंदर कहा, उस महान जागे पुरुष ने कहा, बेटी आज तक लगा किसका है? मन अपना है नहीं, लगेगा क्या? अपना बना नहीं, कभी अपना हुआ नहीं, है नहीं। हमने इसको अपना बनाने का कभी प्रयास किया भी नहीं। जो भी यत्न किया मन ने मन से ही किया, हमने मन बन करके ही किया, मन के प्रति किया, मन बन के किया, मन से हट करके नहीं किया। लगता ही नहीं, अपना है नहीं। और बहुत सुंदर कबीर साहब ने कहा, अरे ओ दीवानो, ओ प्यासे प्यासो रिंदो, ओ ये प्रश्न सवाल उठाने वालों, मैं भी तुम्हारी तरह जब पथिक था ना, मैं भी खोज रहा था ना, जब तक गुरु कृपा हुई नहीं थी तब तक मैं भटक रहा था, खोज रहा था इसी एकमात्र प्यास दर दीवानगी को। मेरा मन कभी मेरे हाथ में नहीं लगा। मैं यही कहता था, प्रभो एक बार ये माइंड मेरे हाथ में लग जाए तो मैं सब कुछ इस पे कुर्बान कर दूं, एक बार ये मन मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपना आप वार दूं इसके ऊपर, एक बार ये मेरे अनुकूल मेरे हाथ लग जाए, माइंड मेरा हो जाए तो मैं अपने सारे के सारे शिखर इसके ऊपर वार दूं। है नहीं मेरो, है नहीं, मैं इसका पीछे लगू क्यों बनूं? मेरा हा नहीं, मैं इसके पीछे क्यों लगूं? मेरा हा नहीं, मैं इसके हाथ क्यों बिकूं, इसके हाथ क्यों लूटूं? मेरा हा नहीं, मेरा है नहीं। माइंड, आई एम नॉट ए माइंड, मेरा है किंतु मेरा बना नहीं, कभी भी नहीं बना। दूसरों का बनता, दूसरों का बनता है, मेरा कभी बना नहीं। मेरा बनता होता तो मैं बहुत सुखी हो जाता, मैं सुख पूर्ण, आनंद पूर्ण, प्रेम पूर्ण हो जाता। इसे अपना बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसे अपना बनाने के लिए मुझे अपने मालिक का बनना होगा, मुझे जागना होगा, मुझे अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में, अपने शिखरों पर लौटना होगा, मुझे अपने रेस्ट हाउस में आना होगा। सुनता हूं बड़ा सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद मिले मुझको
एक बूंद मिले मुझको मन की कली खिल जाए, एक बूंद मिले मुझको मन की कली खिल जाए। मुर्शिद तेरे चरणों की कर धूल ही मिल जाए, सदगुरु तेरे चरणों की, सदगुरु तेरी द्वारे की कर धूल ही मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, बस इतनी कृपा करना। नजरों से गिराना ना, बस इतनी कृपा करना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। मुर्शिद तेरी द्वारे की, सदगुरु तेरी चरणों की कर धूल ही मिल जाए।